हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। यू आर वॉचिंग वॉक्स जी के, और आज हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने जा रहे हैं बहुत ही पॉपुलर हेडफोन बे डायनामिक्स DT990 प्रो। तो आइए देखते हैं कैसा प्रोडक्ट है ये। हेडफोन मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदे थे। इसका जो प्राइस है वो लगभग 16,000 के करीब है, लेकिन ये ऑफ़र के कारण मेरे को 15,000 में मिले थे। तो इसका जो यूज़ है, ज़्यादातर इसको गेमिंग के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी डिटेलिंग बहुत अच्छी है, और इसके साथ साथ म्यूज़िक स्टूडियो में भी इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और म्यूज़िक स्टूडियो में स्पेशली ओपन बैक होने के कारण इसको मिक्सिंग के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि आप छोटी छोटी फ्रीक्वेंसीज और अनवांटेड नॉइसेस इससे इजीली पकड़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं बॉक्स में क्या क्या मिलता है इसके साथ। ये थोड़ी स्पेसिफिकेशंस वगैरह यहाँ मेंशन की हुई हैं। और ये सील है, इस सील को अगर आप खोलोगे तो सबसे पहले जो आपको दिखाई देता है वो है हेडफोन्स, और उसके साथ उसकी कुछ पैम्फलेट्स हैं। ये पैम्फलेट्स में बेयर डायनेमिक्स के कुछ और हेडफोन्स की पब्लिसिटी के लिए ये उनके बारे में थोड़ा लिखा गया है। तो उसके अलावा इस बॉक्स में एक तो हेडफोन है, ये हेडफोन स्टैंड है उसके साथ, और बाद में देखते हैं। पहले ये देखिए, ये ब्लैक कलर का जो आपको दिख रहा है ये एक पाउच है इसको संभाल के रखने के लिए। देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। जी हाँ, इसके ऊपर बे डायनामिक्स की ब्रांडिंग की हुई है। तो आपने देखा दोनों तरफ से कैसा दिखने में है। उसके ऊपर आप अपना नाम, एड्रेस और मोबाइल फ़ोन लिखने के लिए एक जगह दी हुई है, और ये कुछ छोटी छोटी बुकलेट्स हैं जिससे आप बेयर डायनामिक्स के इस हेडफोन के बारे में ज़्यादा डिटेल में जान सकते हो। तो चलिए अब मेन जो हेडफोन है उसको देखते हैं। तो इसकी जो वायर है वो उसके अंदर है, जो हेडफोन स्टैंड दिया गया है बहुत लाइट सा हेडफोन स्टैंड है। इसको आप ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो हेडफोन है उसका वेट काफ़ी ज़्यादा है, तो इसके ऊपर टिकेगा नहीं वो। तो चलिए खोल के इसमें से जो उसकी केबल है उसको निकालते हैं। केबल अच्छे से कवर की गई है उसमें, ये आप क्वालिटी देख रहे हैं हेडफोन्स की, थोड़ी फ्लेक्सिबल हैं। और यहाँ DT990 प्रो लिखा हुआ है, साथ में लिखा है 250 ओम। ये ऊपर लेदर है, और ये कुशन आप देख सकते हैं, कुशन की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये देखिए बहुत सॉफ्ट है, लॉन्ग टाइम के लिए आपके कानों में ये दर्द नहीं होने देगा, काफ़ी फ्लेक्सिबल है, और इसको आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हेड के अकॉर्डिंगली, बड़ा छोटा कर सकते हो, दोनों साइड्स में ये ऑप्शन अवेलेबल है। और ये इसकी वायर है जिसको अच्छे से इसमें कवर किया हुआ है। ये जो वायर की क्वालिटी है बहुत अच्छी है, ये देखिए स्प्रिंग जैसा है ये वायर, कॉयल वायर बोलते हैं इसको। इसका जो जैक है उसमें आपको दोनों ऑप्शंस मिलेंगी, 3.5 mm जैक भी है अगर आप इसको खोलोगे तो, और अदरवाइज ये 6 mm जैक का भी काम करेगा ऑडियो इंटरफेस में। तो अभी हम इसको एक बार पाउच में डाल के देखते हैं कि वो कैसा दिखाई देता है पाउच में। तो ये हमने इसको पाउच में डाला, तो देखिए अच्छे से पाउच में आ जाता है ये हेडफोन, और इसको खोलेंगे तो इस प्रकार से ये बाहर आएगा। तो इसको सेफ रखने के लिए ये पाउच बहुत अच्छी चीज़ है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियोस देखने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।